नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित रावत बीएमसी से वायरोलॉजी लैब से। सबसे पहले तो आप सभी को, आज स्वतंत्रता दिवस है तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और आज का जो हमारे सागर का अपडेट है, इसमें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें आज सागर से 12 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। इसमें पहले जो है 50 वर्षीय पुरुष केशवगंज वार्ड से, दूसरे 64 वर्षीय पुरुष दयानंद वार्ड से, तीसरे जो है 72 वर्षीय पुरुष ये कृष्णा नगर मकरोनिया से, चौथे जो है 64 वर्षीय पुरुष गांधी चौक वार्ड से, पांचवी जो है 68 वर्षीय महिला रामपुरा वार्ड से, छठवे 42 वर्षीय पुरुष सागर कैंट से, सातवें जो है 32 वर्षीय पुरुष ये बताशा वाली गली से, आठवें जो है ये 65 वर्षीय पुरुष सुभाष वार्ड सागर से, और नौवे जो है 32 वर्षीय पुरुष हैं ये बीएमसी कैंपस से, और दसवें जो है 26 वर्षीय पुरुष ये भी बीएमसी कैंपस से। ये दोनों बड़ी दुखद खबर है कि ये दोनों हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं और इलाज करते करते ये बीच पॉजिटिव हो गए हैं। बड़ी ही आश्चर्यजनक खबर है। इसके अलावा ग्यारहवें जो है ये 64 वर्षीय पुरुष शंकरगढ़ वार्ड से, और बारहवें जो है ये 36 वर्षीय पुरुष अभिनंदन नगर मकरोनिया से, ये भी पॉजिटिव आए। इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि 5 लोग जिनका इलाज चल रहा था ये स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं बीएमसी से। और इसके अलावा आज चौंकाने वाली खबर और भी है एक, कि 3 लोग जिनका इलाज चल रहा था अभी हाल ही में भर्ती हुए थे हमारे यहाँ, एक दमोह जिले के और एक छतरपुर जिले के एवं एक सागर जिले के, इन तीनों की आज जो है मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। आज का यही अपडेट है, सावधानी बनाए रखिये।